एसएन मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हैदराबाद के नेत्र रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों ने पलकों की होने वाली बीमारियों पर लाइव सर्जरी एसएन मेडिकल कॉलेज में की। एसएन मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग के द्वारा ऑक्युलोप्लास्टी पर आधारित कार्यशाला एवं संगोष्ठी का आयोजन कराया गया। इस कार्यशाला में नेत्र रोग निदान में वैश्विक ख्याति प्राप्त एलवी प्रसाद इंस्टीट्यूट हैदराबाद के विश्व प्रसिद्ध ऑक्युलोप्लास्टी सर्जन डॉक्टर मिलिंद नाइक एवं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर ने मुख्य अतिथि एवं प्रशिक्षक की भूमिका निभाई। आज ऑक्युलोप्लास्टी पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि हैदराबाद से हमारे स्पीकर आए हुए हैं डॉक्टर मिलिंद, और वो लाइव सर्जरी का भी आयोजन कर रहे हैं। वो यहाँ पर जितने फैकल्टीज हैं, जितने हमारे रेजिडेंट्स हैं, उनको ये बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग पेशेंट की डायग्नोसिस करेंगे और किस तरह से हम लोग ऑपरेशन करेंगे, उसमें क्या क्या सावधानी हम लोगों को रखनी होगी। कार्यशाला आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर स्निग्धा सेन, विभाग अध्यक्ष नेत्र रोग विभाग ने बताया कि ऑक्युलोप्लास्टी का अर्थ है आँख और आसपास की संरचनाओं पर की जाने वाली सर्जिकल प्रतिक्रियाएं। इसमें विशेषतः झुकी पलकें, पलकों के अन्य विकार, नासूर, नेत्र ट्यूमर इत्यादि का निदान शामिल है। देखिए, ये जो ऑक्युलोप्लास्टी की सीएमई हम लोगों ने आयोजित की थी, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारे ट्रेनर जो आए हैं इंस्ट्रक्टर, वो डॉक्टर मिलिंद नायक एलवीपी आए हैदराबाद से आए हैं, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट है, और उनकी वो इस में उनकी पारंगतता है कि किस प्रकार से वो अपनी ऑक्युलोप्लास्टी सर्जरीज को अंजाम देते हैं। तो ये इस सीएमई का आयोजन सिर्फ इस चीज़ को सोच में करके किया गया कि यहाँ जो हमारे पीजी छात्र हैं, उनको हम इन सर्जरीज की और बारीकियों से अवगत करा सकें, उनको उनके थ्रू लाइव सर्जिकल डेमोंस्ट्रेशंस करवा के। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। किसी चोट लगने के कारण सिकेट्रेशियल इंट्रोपियन या फिर जैसे कंजनाइटल टोसिस होती है, बचपन से बच्चों की पलक गिरी होती है, तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जब बचपन में पलक गिर जाते हैं तो उनकी रोशनी आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे केसेस का अर्ली ट्रीटमेंट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। हैव वी कांट गेट इन दीज केसेस, तो इन केसेस ऐसे जो ऐसे केसेस होते हैं तो इनमें सर्जरी इज़ अ वेरी पर्टिकुलर थिंग। तो ऐसे केसेस को ऑपरेट करना, इनके सर्जिकल स्किल्स आर वेरी टेक्निकल एंड वेरी मतलब फॉर द हमारे फ्यूचर ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार की सर्जरी विभाग में काफी समय से हो रही है, किंतु इस कार्यशाला को देश स्नातकोत्तर छात्रों को ऑक्युलोप्लास्टी में पारंगत डॉक्टर नाइक द्वारा इस प्रकार की शल्य क्रिया की बारीकियों से अवगत कराना है। जैसा हमने सोचा था उससे कहीं बेटर हमें रिस्पांस मिला। बहुत जगह से पेशेंट्स भी आए हमारे पास से, जब लोगों को ये पता चला कि डॉक्टर मिलिंद हैदराबाद से एक वर्कशॉप के लिए आ रहे हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आए हैं जिन्होंने कंसल्ट किया है। अगर सर हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे तो हमें लगता है कि हम पेशेंट यहाँ ऑपरेट भी कर सकते हैं। एसएन में ऑक्युलोप्लास्टी की रिगार्डिंग वर्कशॉप ये पहली बार हुई है, उसमें भी लाइव सर्जरी के साथ तो शायद पहले कोई वर्कशॉप नहीं हुई है। और ऑक्युलोप्लास्टी सर्जरी पहले से हम कर रहे हैं, और लगभग 2022 में हम मैं और डॉक्टर रानु गए थे डॉक्टर मिलिंद के अंदर ऑक्युलोप्लास्टी ऑब्जर्वरशिप के लिए। उसके बाद वहाँ से हम कुछ सर्जरी सीख के आए, एंड वी आर डूइंग दो सर्जरीज ईयर। एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए इस आयोजन को छात्रों के शिक्षण की प्रक्रिया में आवश्यक एवं अति लाभकारी कदम बताया। सी न्यूज़ के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।